हरा कर दिखाओ, हाथ लगा कर दिखाओ, मार कर दिखाओ, बोल कर दिखाओ। गाइज अगर आपको भी बोलना है इस तरीके के सेंटेंसेस को तो देखते जाइए वीडियो को इन तक। इससे पहले मैं आपको दो वर्ड्स बता देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। एक वर्ड होता है इम्पॉर्टेंट, दूसरा होता है इम्पॉर्टेंट, मतलब बोथ आर सेम। द मैटर इज दैट एग्जैक्टली इसका जो प्रोनंसिएशन है वो सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण, हम लोग जानते ही हैं। लेकिन जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट है इसका मतलब होता है कि नामर्द, क्लियर? एंड प्रोनंसिएशन सेम होती है। अगर आप कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए स्पेलिंग थोड़ा समझिएगा क्या बोलना चाहते हैं आप। तो चलिए देखते हैं हमारे उन सेंटेंसेस को। तो हमारे पास था हरा कर दिखाइए। इसको इंग्लिश में सबसे पहले बोलने के लिए इस तरीके के सेंटेंस को आप बोलेंगे शो मी टू, जैसे शो मी टू डिफीट, हरा कर दिखाइए। हाथ लगा कर दिखाइए, शो मी टू टच, ऐसे करके। मार कर दिखाओ या दिखाइए, मार कर दिखाओ, शो मी टू बीट। बोल कर दिखाओ, शो मी टू स्पीक, इस तरीके से। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, वो है जीत कर दिखाओ। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया था सब्सक्राइब करें, जीतने करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।